करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महवार आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, सात भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सदवा स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के सात लड़के और लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीन लो। यह सुन उसने अपने भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हुए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी श्री विनायक जी की कहानी। एक अंधी गरीब बुढ़िया थी, उसके एक लड़का व लड़के की बहू भी थी। वह बुढ़िया नित्य ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी इस बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझे तो मांगना आता ही नहीं, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी कहते कि वह अपने बहु बेटों से पूछकर मांग ले। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग। बेटे ने कहा धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा
कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो पड़ोसिनों ने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जीवेगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती, तू तो आँख मांग ले जिससे तेरे बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों की भी ना मानी और घर में जाकर सोचा कि जिसमें बेटा बहू राजी हो वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, बुढ़िया जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें, सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, खैर जो तूने मांगा है वह सब तुझे अवश्य मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको सब कुछ देने की कृपा करना। सोनारो कुंडाल कछ मोती हरोहार, चंद्रमा ने अरग दिया, जियो महारा भक्तार। Yeah.
राजा दे कोल सुइयां कटन वास्ते बिठा के आप वरत दी पूजा ले चली गई। उधर जिस तरह ही पूजा खत्म हुई इधर दासी ने राजा दी अखीरली सुई कट दिती। राजा गहरी नींदर विचो उठ पिया ते दासी नू ही अपनी रानी समझन लगा। गोली सी सो रानी हुई, रानी सी सो गोली हुई। दुख विच पै गई। एक दिन राजा प्रदेश जा रहा सी। रानी जेड़ी असल विच दासी सी वो राजे नू खूब सारे गहने लियान नू कहंदी है। भीरो विचारी सिर्फ एक गुड्डी दी मांग करती है। राजा वापस आके उन्हां दोनों नूं अपनियां अपनियां चीजां दिंदा है। वीरो दासी अपने टुकड़े सदा गुड्डी नाल फोलदी रहिंदी है। राजा जदों वीरो दे मुंह रानी सीसो गोली होई, गोली सीसो रानी होई सुनदा है, राजे दे अग्गे सारा सच आ जांदा है। वीरो दी सारी कहानी सुन के राजा वीरो नू गले ला के उनू अपनी रानी स्वीकार करता है। गोली सी सो गोली हुई, रानी सी सो रानी हुई। गणेश जी दी कृपा नाल वीरो दे दिन फिर तो हरे परे हो जांदे ने। मथे ना ला के चुम लो। वार वरते अज होया शुभवार। सुहाग रानी दा सुहाग पाग, दुध नाल पुत नाल रिजक नाल पाग नाल। जैसा राज वैसा पाग। हुन हाथ विच पानी लेके सब अपना अपना बया मनसो।
जी।